वादा करें कि 10 साल बाद आज ही के दिन इसी जगह पर हम फिर से मिलेंगे। सर, क्या आप अपने स्टाफ से मिलना पसंद करेंगे या रिजॉर्ट का मुआयना करेंगे या फिर आराम करना पसंद करेंगे? इन तीनों में से कुछ भी नहीं। मुझे कुछ देर के लिए कहाँ चाहिए? मेरे जी सर। और एक और बात, मेरे खास दोस्त मुझसे मिलने आए, अगर वो मेरे बारे में पूछे उसे यहाँ भेज दीजिए। ओके। How can I help you? क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यहाँ किसी ईरा नाम की लड़की ने चेकिंग किया या नहीं? Just a second, ma'am. नहीं मैम, इस नाम से तो यहाँ कोई नहीं आया। सर तो अभी आए हैं। कहाँ है वो? फोर्थ फ्लोर VIP सुइट। थैंक यू। अब भाई साहब लिफ्ट कहाँ है? थैंक यू। बस अब और इंतजार नहीं। आई होप ईशा तुम आ रही है। प्लीज प्लीज जल्दी आ जाओ। मैं आ रही हूँ सर। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि मैं देखने के लिए मैं कितनी बैठा। कोशिश कर रहे हैं मैम। जनरेटर नहीं है क्या? जनरेटर ऑन है, एक्चुअली लिफ्ट की प्रॉब्लम है इसलिए चालू नहीं हो रही है। जाओ इलेक्ट्रिशियन को बताओ। प्लीज कुछ कीजिए। मैम हमसे जो बन पड़ रहा है हम वो कर रहे हैं। आप थोड़ा सा धीरज रखिए। इतने साल तो धीरज रखो, और कितने धीरज रखो। कोशिश कर रहे हैं। इसका सर्किट टूट गया है और दूसरा सर्किट बदलने में मुझे ज्यादा वक्त लगेगा। जाओ तुरंत जाके बदलो। समर वापस चला गया तो आई होप ईशा तुमने मेरा अखबार में ऐड पढ़ा हो और तुम्हारी धीरज रखिए। प्लीज कुछ कीजिए। मैम लिफ्ट का सर्किट उड़ गया है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, अभी ठीक हो जाएगा। हे माता रानी, इस मुसीबत से बाहर निकालिए।
एक्सक्यूज मी सर, सर आप सुबह से यहाँ पर बैठे हुए, प्लीज अंदर चल के अपने सीट में आराम कीजिए। देखिए ना, बर्फ भी पड़ने लगी है। वैसे सर इंतजार तो अंदर बैठ के भी किया जा सकता है। तुम ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें नहीं पता वो कौन। एनीवेज थैंक्स विकन सर, मैं बिल्कुल ठीक। कहाँ हो तुम? पता नहीं तुम्हें वो पेपर की आर्ट पढ़ी भी है नहीं, या फिर पढ़ के भी नहीं है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मैम, सर आपका अभी भी इंतजार कर रहे हैं, वो गार्डन एरिया में है, आप यहाँ से जाएंगी। मैम 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 शायद मेरी कोशिश में कोई कमी रह गई, मतलब आज मैं तुम्हारे सामने हूं। प्लीज वापस आ जाओ सब। मांगा तो दिल से था ईशा कि तुम मुझसे यहां मिलोगी, शायद मेरी चाह में कोई कमी रह गई हो, या फिर किस्मत को कुछ और मंजूर होगा। फोटो कहां? ईशा ईशा ईशा।
ईशा समर्थ ईशा समर्थ तुम्हारी आवाज बहुत जानी पहचानी सी लग रही है, किसी की याद ला रही। तुम धर्मपुर क्यों जा रही हो? अपनी फैमिली से। और आप? कोई है बहुत स्पेशल, उसी से मिलना है। मेरी भी एक दोस्त थी और वो हमेशा कहती थी, अगर आप किसी को सच्चे दिल से अपना दोस्त माने तो चाहे आपसे कितनी दूर भी चला जाए, किस्मत एक ना एक दिन आपको उसे जरूर मिलवा देती। तुम तो पलक। अरे वो नाम तो रेडियो स्टेशन वालों ने रखा, तुमने भी तो। मैं तो बताने ही वाला। मैंने बताने नहीं दिया। बेवकूफ की तरह मैं तुम्हें पीके बुलाती रही। एक्चुअली बेवकूफ हम दोनों हैं। एक दूसरे से मिले इतनी दूर से आए और ये भी नहीं पता था कि हम दोनों साथ साथ। लेकिन हम औरों से भी तो मिलने वाले। शायद उन लोगों ने न्यूज़पेपर में ऐड नहीं पढ़ा। कम ऑन, जो नहीं आए उनके लिए दुखी मत।
आज तो बहुत खुशी का दिन। देखो तुम्हारे सामने ज्यादा नहीं लेकिन एक छोटी सी खुशी तो खड़ी है ना। समर, तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन 10 साल से पहले से एक ही खुशी बात वो ये है कि मेरे इरा मुझे पसंद है। पहले सोचा था कि आज मेरा सपना पूरा हो जाएगा पर वो या नहीं है। तेरी जिंदगी मेरी इरा से शुरू होती है और इरा पे खत्म होती है। समय मेरी जिंदगी तब शुरू हुई थी जब ईशा मेरी जिंदगी से चली गई थी। 10 साल से मेरी जिंदगी रुकी हुई उसके हाथों के सहारे जी रही। मैं उन दिनों को याद भी नहीं करना चाहती जब वो मेरी जिंदगी में थी। अगर वो मुझे नहीं मिली तो आज मैं सिद्धा नहीं रह पाऊंगी। सब ना उससे मेरा कोई रिश्ता है और ना ही कभी मैं रखूंगी। जानते होगे मैं उस नाम को भी भुला देना चाहती हूँ जिस नाम से वो मुझे बुलाती थी। मेरा नाम काजल कौशल। काजल कौशल समझ तुम दोनों के परिवार एक दूसरे के कितने करीब हैं। तुम मैं मेरे इतने पास समझ समझ मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि ये बात बताकर तुमने मुझे कितनी खुशी दी है। तुमने मुझे पहले प्रॉमिस किया था और आज भी तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम मुझे मेरे इरादे से दिलवाओगे। प्लीज समर पता करो मुझे। हाँ मैं तुम्हें प्रॉमिस करता। मैं तुम्हें कैसे बताऊं ईशा कि जितना तुम ईरा से प्यार करती ईरा तुमसे उतनी ही नफरत करती। शायद अच्छा ही हो कि ईरा यहाँ नहीं है। वो तुमसे जितना दूर रहे उतना अच्छा। देखो यहाँ काफी बर्फ पड़ी। हम अंदर चलते। और कितना टाइम है धर्मपुर आने में? बस 5 मिनट और मैडम जी। समझ लीजिए आपका रिसोर्ट आ ही गया। ओके। जो हमें डेली एयरपोर्ट तक ड्रॉप करते। राइट सर मैं अभी अरेंज करता हूँ। चलो नहीं देखो अगर हम रास्ते में डिनर के लिए रुकेंगे तो ज्यादा टाइम वेस्ट करें। इससे अच्छा ना हम यहाँ से खा के निकले। वैसे एक बात बताओ तुम मुझसे इतने सालों बाद मिली हो ना तुमने कुछ पूछा ना बताया। मेरे से मिले कोई गिफ्ट तो लाई हो ना। अरे भाव लाई हो ना गिफ्ट। ये देखो ये क्या है हिंदी की डिक्शनरी। हाँ अब तुम इतने साल यूएस में रहे हो और वैसे भी तुम हिंदी में पैदा तो अब तो बिल्कुल हिंदी भूल गए होगे। वैसे मैं तुम्हारे लिए भी एक गिफ्ट लाया हूँ। कहाँ है? ओह नो वो मेरे बैग में और मैं बैग तो गार्डन में भूल गया। ईशा तुम इधर रुको मैं अभी आया। ओके समर्थ ओझा वो कहाँ है? अच्छा वो स्विमिंग पूल वाले प्राइवेट लाउंज में। ओके थैंक यू।